गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने सोशल रिफॉर्मर के बारे में पढ़ा था, जो ग्रेट थिंकर्स थे जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान। तो इन सारे लोगों ने क्या किया था, मिलजुल के जो सोसाइटी में सोशल इविल हो रहा था उनको ख़त्म किया था, एबॉलिश किया था। और ये लोग चाहते थे कि दे वॉन्टेड टू यंग मैन टू गेट एजुकेट एंड सर्व द कंट्री। और ये ग्रेट थिंकर जो है, ये लोग चाहते थे कि जो इंडिया में जो जवान लोग हैं, जवान पीपल है, उनको मतलब ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड हो और अपने कंट्री पर सर्व करें। द राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कैसे राइज हुआ था इंडिया में, देखिए। आफ्टर द फेलियर ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है वो फेलियर हुआ था, तो जो पीपल रियलाइज द ब्रिटिश हैड कॉन्करेंट इंडिया टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट एंड वेर नॉट इंटरेस्ट इन टू द वेलफेयर ऑफ इंडिया। तो जहाँ पे इंडिया में जो ग्रेट थिंकर्स थे उनको मतलब क्या हुआ कि उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया पे कब्जा कर रहा है और अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो उनको कोई मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था इंडिया के वेलफेयर के बारे में। द एजुकेटेड इंडियन वेर डिससेटिस्फाइड बाई द ब्रिटिश रूलर। जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन वो लोग डिससेटिस्फाइड थे किससे, ब्रिटिश रूलर से, ब्रिटिश रूलर से। और उनको रियलाइज हुआ टू नीड टू कम टुगेदर अगेनस्ट द ब्रिटिश। तो उनको रियलाइज हुआ कि सब मतलब ये लोग सब मिलजुल के क्या हो जाए कि ब्रिटिश के खिलाफ हो जाए। दस मेनी ऑफ दिस इंडियंस अलोंग विद अ फ्यू ब्रिटिश हु सपोर्ट देम फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इनमें से मतलब कुछ इंडियंस और कुछ ब्रिटिशर जो है सब ने मिलके क्या बनाया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया था। कब, 1885 में। इट वॉज फाउंड बाई दी सर ए ओ ह्यूम। ये फाउंड किया था किसने, सर ए ओ ह्यूम ने। द फर्स्ट सेशन वेर हेल्ड बाई द बॉम्बे विथ 72 डेलीगेट विद डब्ल्यू सी बनर्जी एट इट्स प्रेजिडेंट। तो फर्स्ट सेशन जो है वो हेल्ड हुआ था कहाँ पे, बम्बई में, विथ 72 डेलीगेट्स के साथ, विथ वहाँ पे डब्ल्यू सी